करीब 2 महीने पहले 13 अक्टूबर को सलमान खान ने ये ट्वीट पोस्ट किया था, जहां उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनके NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स एक प्लेटफॉर्म बॉली कॉइन पर लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च के करीब 7 घंटे बाद 20 लाख बॉली कॉइन्स बिक गए थे। अब हम जानते हैं कि सलमान खान की ब्रांड ही इतनी बड़ी है कि वो ऑलमोस्ट कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, चाहे एक चप्पल की ब्रांड हो या फिर एक मूवी। कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। और इसी वजह से हम में से कई लोग सरप्राइज नहीं होंगे ये जानकर कि 20 लाख टोकन सलमान खान के ट्वीट की वजह से इतनी जल्दी बिक गए थे। बॉली कॉइन प्रोजेक्ट का आइडिया ये था कि बॉली कॉइन टोकन को यूज करके लोग बॉलीवुड के NFTs खरीद सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद क्या हुआ, बॉली कॉइन टोकन का प्राइस 60% गिर गया, जिसकी वजह से कई लोग इस प्रोजेक्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं। और शायद इसी की वजह से एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने इस कॉइन की लिस्टिंग भी डिले कर दी। और ये वीडियो उसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जिसको सलमान खान ने एंडोर्स किया है। और इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला कि सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज क्रिप्टो में आ क्यों रहे, और दूसरा कि बॉली कॉइन टोकन का प्राइस क्रैश क्यों किया है। और अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो ये आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखिए। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि NFTs होते क्या है। हमने NFTs के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया था जो आप अभी देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, NFTs बेसिकली एक डिजिटल आर्ट है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, और इसी वजह से उनकी एक वैल्यू होती है क्योंकि उनको कॉपी नहीं किया जा सकता। जैसे जैक डॉर्सी का ये ट्वीट जो ट्विटर पर पहला ट्वीट था, इसको करीब 20 करोड़ रुपए के लिए बेचा गया था, या फिर ये पॉपुलर मीम टेम्पलेट इसको 25 लाख रुपए में बेचा गया था। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैसे कई डिजिटल आर्टिस्ट अब अपनी आर्ट से पैसा भी कमा सकते हैं और ना कि बस लाइक्स और कॉमेंट्स ही। और NFT मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि 2021 के थर्ड क्वार्टर में करीब $10 बिलियन की NFTs बेचे गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, जो पिछले क्वार्टर से करीब 10 गुना ज्यादा था। इस NFT क्रेज की एडवांटेज सिनेमा इंडस्ट्री भी उठाना चाहती है, और इसी वजह से कई स्टार्स जैसे स्नूप डॉग, अमिताभ बच्चन और सलमान खान अब इस इंडस्ट्री में भाग लेना चाहते हैं। अब वापस बेसिक्स पर आते हैं। आप में से कुछ लोग पूछोगे कि लोग NFTs को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं, इसको समझते हैं। पहला, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि NFTs भी एसेट्स की तरह हैं, जैसे स्टॉक्स या फिर प्रॉपर्टी। अब क्योंकि ये नई तरीके के एसेट्स हैं, हम में से कई लोग समझते नहीं कि इनके बेनिफिट्स हैं क्या। हम में से कई लोग मानते हैं कि ये तो बस आर्ट है जिसको हम फोटोशॉप भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसका पॉइंट है क्या। पर हमें ये समझना चाहिए कि NFTs बेसिकली एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इनको हम मेंबरशिप कार्ड्स या फिर एक इवेंट की टिकट्स के लिए यूज कर सकते हैं, और ये इसीलिए है क्योंकि आप NFT से ओनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब कोई भी स्क्रीनशॉट तो ले सकता है एक NFT का, पर ये NFT आपके वॉलेट से लिंक्ड है, इसलिए आप ही इसके ओनर हो सकते हैं। जैसे डैपर लैब्स जिन्होंने NBA के लिए NFTs क्रिएट करे हैं, उन्होंने NFT बायर्स के लिए रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स अनाउंस करे हैं। जैसे ये NFTs बास्केटबॉल मैचेस के टिकट्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, या फिर फेवरेट बास्केटबॉल स्टार्स के साथ एक फोटो खींचने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है उन लोगों को। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बोर्ड एप यॉट क्लब, जो अपने NFTs के ओनर्स को मर्चेंडाइज, सोशल इवेंट्स और एक यॉट पार्टी की टिकट भी देते हैं उस NFT के साथ। और अगर आप भी बोर्ड एप क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको OpenSea वेबसाइट पर जाना है और एक NFT खरीदना है। इस NFT की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। कई इंडस्ट्रीज ने कई डिफरेंट यूज केसेस भी देखे हैं NFTs के लिए। जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स अब रिजर्वेशंस भी ऑफर कर रहे हैं NFTs के जरिए, और जैसे हमने बताया कि कॉन्सर्ट टिकट्स भी अब NFTs की तरह बेची जा रही हैं। लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल कॉन्सर्ट टिकट्स को ब्लैक मार्केट में कई बार बेचा जाता है, पर NFTs के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर है, इसलिए आप ओनरशिप ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी सेकेंडरी सेल्स होंगी भी उन NFTs की, वो वापस ओनर को ही मिलेंगी। यानी कि मान लीजिए अगर BCCI ने एक क्रिकेट मैच की टिकट एज एन NFT लॉन्च करी, आपने वो टिकट खरीदी, फिर आपने अपने फ्रेंड को वो टिकट बेच दी, तो BCCI देख सकती है कि वो टिकट अभी किसके पास है, और जो आपने सेल करी अपने फ्रेंड को, उसका कुछ रॉयल्टी का पोर्शन BCCI को खुद वापस जा सकता है। और फ्यूचर में आपके फेवरेट आर्टिस्ट भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अरिजीत सिंह, हो सकता है कि वो अनाउंस करें कि वो अपने NFTs बेच रहे हैं, और फिर एक दिन वो ये कह सकते हैं कि वो एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ बस वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास उनके NFTs हैं।
और अगर आप भी NFT खरीदना चाहते हैं तो कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे OpenSea, Foundation या फिर Solana Art। पर इन NFTs को खरीदने के लिए आपको दो क्रिप्टो करेंसीज चाहिए होंगी, मोस्टली आपको Ethereum चाहिए होगी और कुछ केसेस में Solana। और एक प्लेटफॉर्म जो आप कंसिडर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को खरीदने के लिए वो है CoinDCX, जिन्होंने इस वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट किया है। अब अगर आप क्रिप्टो न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे अभी भी कि लीगल है या नहीं क्रिप्टो खरीदना या फिर बेचना। तो हाँ, वो अभी भी लीगल है। और CoinDCX स्पेशली बहुत इजी बना देता है न्यू कमर्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना। आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है, साइन अप करना है, KYC कंप्लीट करना है, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है और फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। CoinDCX में आपका डिपॉजिट बस 100 रुपये तक का भी हो सकता है और आप 10 रुपये तक का भी क्रिप्टो खरीद सकते हो। जो CoinDCX ऐप है वो ISO सर्टिफाइड है और CoinDCX 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है। इसके अलावा CoinDCX में कई सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, जैसे 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विड्रॉल पासवर्ड फीचर्स, और फाइनली उन्होंने एक 7M मॉडल अडॉप्ट किया है जिससे वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का रिस्क थोड़ा घटाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक DCX लर्न प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जहाँ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और सीख सकते हैं। इसके साथ एक और बात याद रखें कि CoinDCX ये क्लैरिफाई करता है कि क्रिप्टो मार्केट बस एक टाइम के लिए बहुत सारा पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि CoinDCX कहता है कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए क्रिप्टो के बारे में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। आप CoinDCX आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कूपन कोड SOCH100 यूज कर सकते हैं 100 रुपये के बिटकॉइन जीतने के लिए। तो CoinDCX को चेकआउट कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि फ्यूचर यही है। अब अगर NFTs के बारे में वापस बात करें तो ये जो क्रेज है NFTs का, इसी वजह से कई बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्रोडक्शन हाउसेज अपने NFTs इशू कर रहे हैं। जैसे ये ट्रेलर है लॉकडाउन का, एक ऐसी फिल्म जो शायद हिस्ट्री में पहली फिल्म होगी जो एज एन NFT रिलीज होगी। और इंडियन सेलिब्रिटीज और प्रोडक्शन हाउसेस भी दूर नहीं है। अमिताभ बच्चन अपने खुद के NFTs भी लॉन्च कर रहे हैं beyondlife.club के प्लेटफॉर्म में। सनी लियोनी भी अपने NFTs लॉन्च कर रही है मिस फिट्स के प्लेटफॉर्म पर। और जैसे हमने पहले बताया था, सलमान खान भी जो बॉलीकॉइन के प्लेटफॉर्म पर अपने NFTs लॉन्च कर रहे हैं। अब बॉलीकॉइन के बारे में बात करते हैं और ये समझते हैं कि उनके वाइट पेपर में लिखा क्या गया है। बॉलीकॉइन बेसिकली एक नई क्रिप्टो करेंसी है, इसके जरिए आप बॉलीवुड के कुछ NFTs खरीद सकते हैं। तो पहले आपको इथेरियम खरीदना है, उसके जरिए आपको बॉलीकॉइन के टोकन्स खरीदने हैं। जब आपको बॉलीकॉइन के टोकन्स मिल जाएंगे फिर आप सलमान खान के NFTs खरीद सकते हैं, जैसे उनके क्लिप्स, पोस्टर्स या फिर सिग्नेचर्स। बॉलीकॉइन के हिसाब से उनको बस सलमान खान के NFTs नहीं बेचने बल्कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के NFTs बेचने, और बॉलीकॉइन एक बड़ा बॉलीवुड का NFT प्रोजेक्ट बनना चाहता है। और उनका मकसद है कि वो बॉलीवुड की ऑडियंस और उनके सेलिब्रिटीज और क्रिएटर्स के बीच में एंगेजमेंट बढ़ा दे NFTs के जरिए। अब ये बॉलीकॉइन का प्लेटफॉर्म साउंड तो बहुत इंटरेस्टिंग करता है पर इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। याद है हमने बताया था कि बॉलीकॉइन ने 7 घंटों में ही 20 लाख कॉइन्स बेच दिए थे। जर्नलिस्ट आकांक्षा शर्मा के हिसाब से, जिन्होंने NFT डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत लिखा है, उन्होंने बताया कि लेट अक्टूबर से बॉलीकॉइन के करीब 1.80 करोड़ टोकन्स बिक गए थे और 19 नवंबर तक पूरे 2 करोड़ बॉलीकॉइन टोकन्स की प्री सेल भी कंप्लीट हो गई थी। पर जो अजीब चीज है वो है कि इन करीब 2 करोड़ टोकन्स को बस 969 लोग ही ओन करते हैं। तो पहले आपको लगेगा कि 2 करोड़ लोगों ने टोकन्स खरीद लिए बॉलीकॉइन के, पर ऐसा एक्चुअली है नहीं, बस 900 से ज्यादा लोगों ने इन सारे टोकन्स को खरीदा है। इसके अलावा बॉलीकॉइन के व्हाइट पेपर के हिसाब से बस 40% टोकन ही पब्लिक के इशू किए गए हैं, करीब 30% तो फाउंडर्स, एडवाइजर्स और डेवलपमेंट टीम के लिए रिजर्व्ड है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आकांक्षा शर्मा ने बताया कि ये ओनरशिप स्ट्रक्चर एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी क्रिएट करने के खिलाफ है। यूजुअली क्रिप्टो प्रोजेक्ट में बस 5-9% की ओनरशिप ही फाउंडर्स रखते हैं। जैसे टिप्सी लैब्स एक क्रिप्टो बेस्ड अडल्ट एंटरटेनमेंट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहां फाउंडर्स का बस 8% स्टेक ही है, जबकि दूसरा कम्युनिटी ओन्ड है। पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब फाउंडिंग मेंबर्स का इतना ज्यादा स्टेक है, तो वो ओवर वैल्यू कर सकते हैं बॉलीकॉइन को। अगर मान लो बॉलीकॉइन का प्राइस कम होता है तो वो पंप और डंप कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉस कम्युनिटी को झेलना पड़ेगा। जब बॉलीकॉइन ने अपना व्हाइट पेपर रिलीज किया था तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो कई लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने सवाल पूछे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। उन्होंने जो अपना व्हाइट पेपर रिलीज भी किया था उसमें कई बेसिक स्पेलिंग एरर्स भी थे जिसने इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी बिगाड़ दी थी। इनफैक्ट उनकी टीम ने बॉलीकॉइन का नाम ही अपने ही व्हाइट पेपर में मिसस्पेल कर दिया था। इसी वजह से आकांक्षा जैसे लोग जो इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे थे वो इतने सरप्राइज नहीं थे जब इस टोकन का प्राइस इतना गिर गया था। अब कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इतना अनकॉमन नहीं है जब किसी अर्ली क्रिप्टो प्रोजेक्ट के टोकन का प्राइस गिर जाता है,
ये दूसरी टोकन के साथ भी हो चुका है। पर इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि प्रोजेक्ट सलमान खान पर निर्भर है अपनी पब्लिसिटी के लिए। पर सवाल यह है कि इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की कोई बेसिक फंडामेंटल्स है या नहीं, और क्या इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी है कम्युनिटी में, और कई लोग इसी के बारे में सवाल उठा रहे हैं। क्रिप्टो और NFT की दुनिया में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ फाउंडर्स लोग का पैसा लेकर भाग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली जहाँ सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, और लोगों के हिसाब से बॉलीकॉइन टीम ने ऐसा नहीं किया है। अब बॉलीकॉइन की भले ही स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं रही हो, पर इंडिया में कई NFT प्रोजेक्ट्स हैं जो डिजिटल आर्टिस्ट को फाइनेंशियल फ्रीडम और क्रिएटिव फ्रीडम दे रहे हैं। जैसे एक है गारी, इसको चिंगारी ओन करती है, और चिंगारी वही प्लेटफॉर्म है जो पहले इंडिया का टिकटॉक सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे थे और अब वो क्रिप्टो स्पेस में एंटर कर रहे हैं। गारी बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स को मदद कर रहा है टोकन्स इशू करने के लिए, जो बेसिकली सिमिलर है जब एक कंपनी स्टॉक्स इशू करती है। तो अगर गारी में कोई कंटेंट क्रिएटर है तो आप भी उनके स्टॉक्स या फिर टोकन्स खरीद सकते हैं, मानो कि वो एक कंपनी है। तो जब आप उनके टोकन्स खरीदोगे, क्रिएटर्स को पैसा मिलेगा, जैसे कंपनी को पैसा मिलता है जब वो स्टॉक्स इशू करते हैं, और यूजर्स को या तो वोटिंग राइट्स मिल सकती हैं या फिर क्रिएटर की इनकम का एक पोर्शन मिल सकता है। इसी तरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स इंडियन डिजिटल आर्टिस्ट को अपने NFTs मोनेटाइज करने में मदद कर रहे हैं। ऐसे NFT मलयाली एक स्टार्टअप है, इसको 38 ईयर ओल्ड मेलविन ने स्टार्ट किया है मलयाली आर्टिस्ट को अपनी आर्ट मोनेटाइज करने के लिए। क्रिप्टो करेंसीज और NFTs की मेन एडवांटेज यह है कि वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और डेमोक्रेटिक बना सकती हैं, जहाँ कोई भी अपने कॉन्टेंट के जरिए पैसा कमा सकता है। और इसकी एडवांटेज कई इंडिया के डिजिटल आर्टिस्ट ने उठाई है, जैसे अमृतपाल सिंह। सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज इन नए फाइनेंशियल मॉडल को मेनस्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो पब्लिक को इन्फॉर्म करें कि उनके प्रोजेक्ट्स हैं क्या। आकांक्षा शर्मा कहती हैं कि कई इंडियंस अभी भी डिस्कॉर्ड या फिर ट्विटर नहीं यूज़ करते, जहाँ NFTs और NFT प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यूजुअली स्प्रेड की जाती है। हमें ये भी हाईलाइट करना चाहिए कि जहाँ NFTs का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इतना पैसा नहीं कमा पाते। जैसे इंडी पॉप बैंड यूफोरिया ने अपना एक NFT लिस्ट किया था, पर वो इस NFT के जरिए केवल 1,14,000 रुपये ही कमा पाए, इसके बावजूद कि उन्होंने बिहाइंड द सीन कॉन्टेंट की एक्सेस भी दी थी उस NFT के साथ। पर जैसे क्रिप्टो करेंसी और NFTs और मेनस्ट्रीम होते जाते हैं, कई लोग इन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करेंगे पैसा कमाने के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के जरिए या फिर अपने कंटेंट के जरिए। और इसी वजह से और ज़रूरी हो जाता है बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए कि वो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में फुल्ली ट्रांसपेरेंट हों।